पूनम ढिल्लन बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रख दिया था। पूनम जी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं। इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया था और यहीं से इनके फिल्म करियर की शुरुआत हो गई। पूनम जी को बचपन से ही पढ़ाई करना बेहद पसंद था। जब यश चोपड़ा ने इन्हें इनकी पहली फिल्म त्रिशूल ऑफर की तो पहले पूनम जी ने मना कर दिया, लेकिन यश जी के अनुरोध करने के बाद इन्होंने शर्त रखी कि वो शूटिंग स्कूल की छुट्टी में ही करेंगी। आखिर क्यों शशि साहब ने पूनम जी को मारा था थप्पड़? ये वो वक्त था जब फिल्म त्रिशूल बनाई जा रही थी। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। फिल्म में पूनम ढिल्लन, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की बहन का किरदार निभा रही थी। फिल्म में एक सीन था जिसमें शशि साहब को पूनम ढिल्लन को थप्पड़ मारना था। ये फिल्म पूनम जी की पहली फिल्म थी और शशि साहब ने पूनम जी से कहा कि फिल्मों में थप्पड़ कैसे खाते हैं तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सच में थप्पड़ मारूंगा ताकि फिल्म का सीन रियल लगे और तुम्हारा एक्सप्रेशन भी ठीक लगे। पूनम ढिल्लों इस बात को पहले तो समझ ही नहीं पाई, लेकिन जब डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब ने एक्शन कहा तो शशि कपूर ने एक जोरदार तमाचा पूनम ढिल्लों को जमा दिया। सीन काफी नेचुरल लगा और जैसे ही सीन कट हुआ तो शशि साहब ने पूनम जी से माफी मांगी और कहा बच्चे ये जरूरी था। तो ये था किस्सा शशि कपूर ने जब मारा था पूनम ढिल्लों को थप्पड़। शोले के बाद सलीम जावेद और अजमत खान ने कभी भी साथ काम नहीं किया। जी हाँ, ये बात बहुत हैरान करती है, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अमजद खान और सलीम जावेद, जिन्होंने फिल्म शोले से इतिहास रचा, ये तीनों फिर कभी किसी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आए। सलीम जावेद की लिखी किसी और कहानी फिल्म में अमजद खान ने और कोई किरदार नहीं निभाया। बात ये हुई थी कि अमजद खान का नाम रिकमेंड तो किया गया गब्बर के लिए, लेकिन जब परफॉर्मेंस देखी तो जावेद साहब को लगा कि अमजद साहब की आवाज़ ज़रा कमज़ोर है गब्बर के रोल के लिए। और जब ये बात अमजद खान साहब तक पहुंची कि सलीम जावेद ने फिल्म के डायरेक्टर और जब ये बात अमजद खान साहब तक पहुंची कि सलीम जावेद ने फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को सुझाया है कि देख लीजिए हमने गब्बर के किरदार के लिए अमजद खान का नाम तो रिकमेंड किया है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये एक्टिंग ठीक से नहीं कर रहे और आवाज़ कमज़ोर है तो आप इसे फिल्म से निकाल भी सकते हैं, कोई और आदमी ढूंढ लिया जाएगा गब्बर के किरदार के लिए। और ये गलतफहमी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, सलीम जावेद का लिखा किरदार गब्बर ने फिर कभी उनके साथ काम नहीं किया। और ये बात भी हैरान करती है कि फिल्म शोले में अमजद खान के सिर्फ 9 ही सीन्स थे और बाकी सभी एक्टर्स फिल्म में इधर उधर घूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। और शोले फिल्म के 9 सीन्स में ही अमजद खान ने अपनी अदाकारी से गब्बर को अमर बना दिया। म्यूजिक डायरेक्टर जूही शंकर जयकिशन में जयकिशन साहब शमी कपूर के बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन एक गाना सुनने के बाद शमी कपूर अपने दोस्त जयकिशन साहब से नाराज हो गए। तो वाकया कुछ यूं हुआ कि शमी कपूर ने जब जयकिशन साहब का गाना सुना तो उन्हें कहा कि ये गाना मुझे दे दो, ये गाना मेरी फिल्म में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जयकिशन साहब ने कहा कि ये गाना तो मैं पहले ही राजेंद्र कुमार को दे चुका हूँ, अब इस तरह राजेंद्र कुमार को मना करना ठीक नहीं रहेगा और अब ये गाना तुम्हारा नहीं हो सकता। शमी कपूर और जयकिशन साहब के बीच इस गाने को लेकर बहुत बहस और झगड़ा हुआ। कहते हैं ना, जो चीज जिसकी है उसे ही मिलती है। शमी कपूर के इतने अनुरोध करने के बाद भी राजेंद्र कुमार की फिल्म ससुराल का ये गाना शमी कपूर को नहीं मिला और ये गाना था तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे पर दूर। तभी उस दौर को सुनहरा दौर कहते थे। अपनी फिल्म के लिए हर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अच्छी से अच्छी चीज ही चाहता था उस सुनहरे दौर को किसी की भी नजर ना लगे।